विवाह हो या पार्टी, हर प्रकार के स्वर्ण आभूषणों की करें खरीदारी, मिलेगा सुख समृद्धि और आनंद। रूप अलंकार ज्वेलर्स के संग 100% हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का एकमात्र संस्थान रूप अलंकार ज्वेलर्स, मेन रोड गढ़वा। गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी सह पर्यावरण परिवार के अध्यक्ष डॉक्टर पतंजलि केसरी ने सांसद प्रतिनिधि चंदन जायसवाल को 40 फलदार और इमारती पौधे प्रदान कर उपस्थित लोगों से गढ़वा जिले को हरा भरा बनाने की अपील की। साई मोहल्ला में आयोजित कार्यक्रम का संबोधन करते हुए डॉक्टर केसरी ने कहा कि गढ़वा जिला को सूखा से निजात दिलाने और हरा भरा बनाने के लिए जिन्हें भी पौधा चाहिए वह संपर्क करें, विभिन्न प्रकार के पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। श्री पतंजलि ने कहा कि क्लीन गढ़वा ग्रीन गढ़वा के लिए सभी को सक्रिय सहभागिता निभानी होगी। उन्होंने कहा कि गढ़वा जिला पिछले कई वर्षों तक सूखे की चपेट में आ चुका है। यदि हम अपने जन्म दिवस, शादी, सालगिरह सहित अन्य शुभ कार्य पर पौधारोपण करेंगे तो निश्चित तौर पर गढ़वा जिला सूखे की समस्या से निजात पा सकेगा। पर्यावरण परिवार के सचिव नितिन तिवारी ने कहा कि पर्यावरण परिवार इसी तरह का कार्य हर समय करता रहेगा। इस मौके पर पर्यावरण परिवार के सचिव नितिन तिवारी, अमित शुक्ला, विवेक सिन्हा, संतोष कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित थे। सर, जो पर्यावरण परिवार के तरफ से पौधा वितरित किया जा रहा है, सर उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पर्यावरण परिवार का उद्देश्य है क्लीन गढ़वा ग्रीन गढ़वा। आज वैश्विक स्तर पर आप देख सकते हैं कि पर्यावरण के लिए सारे देश चिंतित हैं। हम समझते हैं कि हर एक नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि पर्यावरण के लिए जितना बन सके, जो बन सके करना चाहिए। आज हम लोग इसी उद्देश्य से पर्यावरण परिवार के जितने भी हमारे सदस्य पदाधिकारी जन हैं, हम लोग हर लोगों से, गढ़वा के सभी नागरिक से आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग एक पौधा, दो पौधा, जितना पौधा लगा सकते हैं लगाइए, लगाइए ही नहीं, उसको बचाने का कार्य कीजिए। और जितने भी पौधा ऑलरेडी लगे हुए हैं उनको किसी तरह से कटने मत दीजिए, क्योंकि आज जो पर्यावरण की स्थिति है भयावह है। आप देख सकते हैं गढ़वा जिले में आए दिन हमेशा सुखाड़ रहता है। तो केवल सरकार पे आरोप लगाना यह कहीं से उचित नहीं है। सभी लोग अगर हम लोग मिलजुल कर इस पे काम करें तो निश्चित रूप से जो यह हमेशा यह परेशानी आती है, सुखाड़ होता है, किसान लोग परेशान हो जाते हैं, तो हम लोग मिलकर इस चीज़ को निश्चित रूप से इस पर विजय पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें करना क्या होगा, इसमें यही करना होगा, एक पौधा, दो पौधा, हर लोग, कोई अपने जन्मदिन पर, कोई अपने सालगिरह पे, जो भी शुभ कार्य हो उस कार्य के उपलक्ष्य में भी हम लोग पौधारोपण कर सकते हैं। आज पर्यावरण परिवार के तरफ से हम सभी गढ़वावासियों से यह आग्रह करेंगे कि पर्यावरण परिवार के तरफ से मुफ्त में पौधा मुहैया कराया जा रहा है, जिसमें जिसको भी पौधा, जितना फलदार चाहिए, इमारती चाहिए, जो भी पौधा चाहिए हम लोग उसको उपलब्ध कराएंगे। और वह पौधा किस तरह से लगाना है उसके बारे में भी हम लोग बताएंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही आग्रह करूंगा कि गढ़वा के जितने भी सम्मानित नागरिक, बुद्धिजीवी नागरिकगण हैं, जरूर पौधा लगाएं, जिससे कि हम लोग गढ़वा जिला को हरा भरा, और जो आए दिन सुखाड़ होता है उससे निजात दिला सकें।